हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आपका बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि कब हमें प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट करना है और कब नहीं करना। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके फैमिली मेंबर्स या तो उसको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि आप बेड रेस्ट करो, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और कभी उसको रेस्ट की ज़रूरत है लेकिन जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो बोलते हैं नहीं, हमने तो बेड रेस्ट नहीं किया था, हमने तो 4 डिलीवरी ऐसे कर ली, हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, आपने बेड रेस्ट नहीं करना। तो आज आपको लॉजिकली हम ये बताने वाले हैं कि किस केस में आपको बेड रेस्ट करना है और कौन से केस में आपको बेड रेस्ट करना गलत है, उल्टा आपका नुकसान हो सकता है। कभी कभी प्रेग्नेंट लेडी खुद कंफ्यूज रहती है कि मुझे बेड रेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेड रेस्ट कब नहीं करना। अगर आपको पहली पहली प्रेगनेंसी है तो आपको बेड रेस्ट नहीं करना, और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी है और आपकी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो उसका मिसकैरेज हो गया था या आपने अबॉर्शन करवाया था, और कब कराया था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि पहले से तीसरे महीने के बीच में अगर आपने अबॉर्शन कराया है या मिसकैरेज हुआ है, तो आपको सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम बेड रेस्ट करने की जरूरत सिर्फ इस कारण से नहीं है। नेक्स्ट, केमिकल प्रेगनेंसी। कभी कभी ऐसा होता है कि यूरिन में और ब्लड में तो प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन एक्चुअल जब हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होती। तो ऐसे केस में अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी खराब हुई है तो आपको दूसरी प्रेगनेंसी के टाइम बेड रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर बेबी की हार्ट बीट पहले थी और बाद में बेबी की हार्ट बीट बंद हो गई तो आपको अबॉर्शन कराना पड़ा या मिसकैरेज हुआ, तो ऐसे केस में आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम बेड रेस्ट एडवाइजेबल नहीं है, आपने अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करना है। नेक्स्ट, ब्लाइटेड ओवम। कई बार जो बेबी का सैक है वो तो बन जाता है लेकिन उसमें बेबी का या तो मास रहता है, उसमें डिस्टिंग्विश नहीं होता, उसके बॉडी पार्ट्स नहीं बनते या कुछ भी नहीं बनता। तो ऐसे केसेस में अगर आपका मिसकैरेज हुआ है या अबॉर्शन आपने कराया है तो भी आपको बेड रेस्ट करना एडवाइजेबल नहीं है। ये सारे जो फैक्टर्स थे ये बिकॉज ऑफ बेबी थे, कि बेबी की ग्रोथ अच्छी नहीं थी या वो खाली केमिकल प्रेगनेंसी थी या उसकी हार्टबीट रुक गई या ब्लाइटेड ओवम था। लेकिन अगर मदर को कोई इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम रही है या मदर का कोई हार्मोनल इम्बैलेंस रहा फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम, तो भी आपको एडवाइजेबल नहीं है। यानी कि मदर के कारण भी, अगर ये कारण थे मदर में फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम या फर्स्ट प्रेगनेंसी खराब होने के कारण ये थे, तो आपको एडवाइजेबल नहीं है। तो कौन से ऐसे कारण है जिसमें बेड रेस्ट एडवाइजेबल है? तो सबसे पहले है अगर आपकी सेकेंड ट्राइमिस्टर में एबॉर्शन हुआ था, यानी कि फोर्थ फिफ्थ सिक्स मंथ में अपने आप एबॉर्शन हुआ था, एक्सीडेंटल हुआ था या आपने कराया था बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो आपको बेड रेस्ट एडवाइजेबल है। क्योंकि ऐसे केस में आपकी जो यूट्रस है वो थोड़ी लूज हो जाती है और कई बार जो उसका माउथ है वो खुला ही रह जाता है, सर्विक्स। तो ऐसे केस में आपको बेड रेस्ट डॉक्टर से पूछ के करने की जरूरत है। नेक्स्ट, माइक्रोपाइलिंग। आपको अगर अल्ट्रासाउंड में दिख रही है कि सर्विक्स खुला हुआ है, लूज है, या आपके यूट्रस की जो वॉल है वो काफी थिन है, तो ऐसे केस में भी
आपको बेड रेस्ट एडवाइजेबल है। नेक्स्ट, अगर आपका बीपी हाई रहता है, या तो प्रेगनेंसी से पहले भी हाई रहता था या प्रेगनेंसी में आपकी टेंडेंसी हाई बीपी की तरफ है, ब्लड प्रेशर आपका हाई है, तो ऐसे केसेस में आपको बेड रेस्ट करना है और साथ में डाइट का और वाटर कंज्यूमशन का भी ध्यान रखना है। ब्लीडिंग, अगर आपको फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग हो रही है, बार बार हो जाती है, थोड़ा सा आप चलते फिरते हो, थोड़ा सा आप काम करते हो और आपको ब्लीडिंग हो जाती है, तो ऐसे केस में डेफिनेटली यू आर एडवाइजेबल फॉर बेड रेस्ट। नेक्स्ट, अगर इनसफिशियंट प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा वीक है या इमेच्योर है, इनसफिशियंट है, यानी कि वो बेबी को कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहा है, बेबी की ग्रोथ अफेक्ट हो रही है, तो ऐसे केस में भी आपको बेड रेस्ट करना है। इमैच्योर प्लेसेंटा मैंने बताया, अगर एमनियोटिक फ्लूइड भी क्या है, कम है, जो बेबी के चारों तरफ एमनियोटिक प्रोटीन का जो फ्लूइड रहता है वो भी कम है, तो इस केस में भी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है बेड रेस्ट करने की। ट्विन प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो आप सोच के देखिए कि जब आपका फोर्थ मंथ है तो एक्चुअली आपके जो यूट्रस है उसमें 8 मंथ के जितना बेबी है, क्योंकि 2 बेबी हैं, और अगर मल्टीपल है 3 है, तो आपको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारा यूट्रस है वो उसका स्ट्रक्चर नेचर ने इस तरह से डिजाइन किया है कि वो 1 बेबी को कैरी कर सकता है, लेकिन अगर आप उसमें डबल प्रेशर देने वाले हैं, डबल वेट उसमें रखने वाले हैं या ट्रिपल रखने वाले हैं, तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल और आपको बेड रेस्ट करने की जरूरत है। प्लेसेंटा प्रीविया, अगर प्लेसेंटा बाहर की तरफ है, सर्विक्स की तरफ है, तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है कि जैसे ही आप चलते फिरते हैं और आपके बेबी का प्रेशर जैसे ही सर्विक्स के ऊपर आता है, तो आप देखते हैं कि ब्लीडिंग हो जाती है, कई बार प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, तो ऐसे केसेस में आपको या तो टांका लगवाना रहता है यूट्रस के ऊपर या फिर आपको बेड रेस्ट करना होता है। तो अभी हमने देखा कि कौन से फैक्टर्स हैं जब आपको बेड रेस्ट एडवाइजेबल है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहां आपको बेड रेस्ट एडवाइजेबल नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स का आता है कि हम बेड रेस्ट कैसे करें, क्या हम सीधे लेट के करें, क्या हम साइड में लेट के करें, या हम लेग्स को अप पोजिशन में रखें, कैसे करें। तो ध्यान दो, इसमें से जो सारे फैक्टर्स हैं, सारे फैक्टर एक जैसे नहीं है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और आपको बार बार ब्लीडिंग हो रही है या आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, तो ऐसे केसेस में आपको सीधा लेटना है, लेकिन मतलब आपको तो सीधा लेटना है, लेकिन जो आपका बेड है उस बेड को आपने ऐसे टिल्ट करना है, जैसे कि ये आपका हेड है, ये आपके लेग्स हैं, तो आपका जो हेड है वो डाउन पोजिशन पे हो और लेग थोड़ा सा अप पोजीशन पे हो, और आपके नीचे ये पूरा प्लेटफॉर्म बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खाली बेड को तो सीधा रखा और अपने लेग्स को ऊपर करने के लिए आपने यहाँ पे कुछ रख दिया, तो आपके नीचे का ये प्लेटफॉर्म खत्म हो जाएगा, आपकी बॉडी को सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो क्या होगा कि आपके कमर में दर्द होने लगेगा और आपके बटक्स में दर्द होगा, नेक में भी दर्द होगा, तो आपने ऐसा नहीं करना। अगर आपने को डॉक्टर ने एडवाइस दी है कि आपने सीधे लेटना है, तो आपने पूरे बेड को ही, ये अगर आपका बेड है तो इसको टिल्ट करना है, कैसे कि इसके नीचे आप यहाँ कुछ लगाएंगे, बेड को सीधा रख के और अपनी टांगों के नीचे नहीं लगाएंगे, बेड को ही टिल्ट करेंगे, आप बेड के नीचे, पांव के नीचे, बेड के पांव के नीचे कुछ रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एमनियोटिक जो फ्लूइड है वो कम है, इनसफिशियंट प्लेसेंटा है, या आप देख रहे हैं कि बेबी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, इट मींस कि बेबी की साइड जो है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स आपको कहेंगे कि आप सीधे बेड पे, यानी कि बेड को टिल्ट करने की जरूरत नहीं है, आपने अपने आप को एक साइड लेना है, आपने सीधा नहीं लेटना, आपने टर्न करके इस साइड या फिर इस साइड आपने टर्न करके लेटना है,
उससे बेबी की तरफ जो है फ्लूइड ज्यादा जाता है और बेबी की ग्रोथ अच्छी होती है। अब हमने ये देखना है कि क्या जब हम बेड रेस्ट करते हैं तो ये ईच एंड एवरी टाइप से हमें बेड रेस्ट करना है, हमें कितना रेस्ट करना है और कितना काम हम कर सकते हैं। तो ध्यान दो, जब आपको डॉक्टर बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर ने एडवाइस किया है, आपने अपने मन से नहीं किया है, तो आपने बेड रेस्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है क्योंकि वो आपके और आपके बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप अगर ज्यादा देर तक सीधे बेड के ऊपर बैठते हैं और आप सोचते हैं कि मैं बैठे बैठे निटिंग कर लूं या वेजिटेबल को चॉप कर लूं, तो आपने ज्यादा देर बैठना भी नहीं है क्योंकि बैठने से भी आपके बेबी का प्रेशर नीचे सर्विक्स पे पड़ता है और सर्विक्स के खुलने के चांस हो जाते हैं। तो आपने ज्यादा बैठना नहीं है, आपने ज्यादा वॉक नहीं करनी, आपने ज्यादातर लेटे रहना है। हाँ, आपको लेटे रहने से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आपके कमर में दर्द हो सकता है, तो आपने स्ट्रेचिंग फ्रिक जो एक्सरसाइजेस हैं आपने इनको बेड पे लेटे लेटे ही करना है। जैसे आपने अगर हाथ ऐसे रखा हुआ है तो इसकी जगह आप इसको स्ट्रेच करके रखो, आपने हाथ ऐसे रखा है तो सीधा ना ढीला ना छोड़ के इसको स्ट्रेच करके रखो, ऐसे आप अपनी लेग्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेचिंग के दौरान आपके यूट्रस की जो मसल्स हैं या आपके एब्डोमेन की जो मसल्स हैं वो यूज नहीं होनी चाहिए। आप अपने शोल्डर को ऐसे ऐसे कर सकते हैं लेकिन ऐसा करते हुए आपके एब्डोमेन पे कोई भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। आप छोटे छोटे से मूवमेंट बेड के ऊपर कर सकते हैं, आप साइड चेंज कर सकते हैं, कभी थोड़ा सा लेग्स को अप कर सकते हैं या ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन आपने किसी भी कंडीशन में यूट्रस को स्ट्रेच नहीं करना है, उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं देना है। और आपके फिजिकल स्ट्रेन के साथ साथ आपके माइंड में एक स्ट्रेन आ जाता है कि मुझे तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया, अब मेरी प्रेगनेंसी डिलीवरी कैसे होगी, क्या मेरा बेबी ठीक होगा, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव। तो आपने सबसे पहले स्टॉप करना है नेगेटिव थिंकिंग को और अपनी डाइट को आपने बैलेंस करना है, और जितना हो सके आप बैलेंस डाइट लीजिए और जो डॉक्टर ने आपको हार्मोनल या वैसे सप्लीमेंट्स कैल्शियम के आयन के आपको बताए हैं आप उनको लेते रहिए। कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज्यादा दूर रहिए, यानी कि कॉन्स्टिपेशन मत होने दीजिए, और इंडियन टॉयलेट जो है वो वाली सीट यूज मत करिए, आप इंग्लिश जिसको आप वेस्टर्न टॉयलेट भी कहते हैं आप उसको यूज करिए। और साथ में ध्यान दें कि अपने टाइम में माइंड में नेगेटिव एनर्जी ना आने दें। आप लेटे लेटे आप चाहें तो रामायण सुनिए, आप गीता सुनिए, आप कोई भी रिलीजियस बुक पढ़िए या आप भजन सुनिए, अपना कोई बेबी का प्लानिंग करिए, लेकिन बेबी को कैसे आपने वेलकम करना है, बेबी के साथ आपने कैसे एंजॉय करना है, बेबी का रूम कैसे आपने डेकोरेट करना है, आप इस सब की प्लानिंग लेटे लेटे कर सकती हैं। तो आई होप कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप प्लीज इसको अपने सारे नीडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।